अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो है माय समर मेकअप प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो मैं गर्मियों में प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। यू नो, गर्मियों में तो इतना मेकअप हो नहीं सकता क्योंकि इतना पसीना आता है, तो मैं बहुत लाइट सी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल बटन आइकन ऑल्सो टू गेट माई न्यू वीडियोज़। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये छोटा सा जार है जिसमें मेरी सब चीज़ें हैं जो कि बस गर्मियों के लिहाज से कंप्लीट जार है, और बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें और कंप्लीट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं समर में कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं यूज़ करती, जस्ट फेयर एंड लवली यूज़ कर लेती हूँ। इससे अच्छी सी लाइट सी कवरेज भी हो जाती है। अगर सम टाइम मैं फेयर एंड लवली ना लगाऊं तो मैं फिर, अच्छा ये वाली फेयर एंड लवली है, मैं आपको दिखा देती हूँ जो उसका पैकेजिंग है। और सम टाइम मैं तिब्बत भी यूज़ कर लेती हूँ, ये बहुत पुरानी दोनों क्रीम्स हैं और हमारे बड़े भी यूज़ करते आ रहे हैं, तो मुझे ये दोनों बहुत पसंद हैं। इससे लाइट कवरेज हो जाती है और पसीना भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो ये दो मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, फेयर एंड लवली एंड तिब्बत स्नो। और इसके अलावा जी, मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई थी, ये बॉडी शॉप की है, 3-in-1 है, ठीक है। ये जस्ट मैं इसको, इसका जो स्पूली है ये मस्कारा टाइप ब्रश है, मैं यूज़ करती हूँ जस्ट आईब्रो को कॉम्बिंग करने के लिए। और वैसे अपनी आईब्रो को कॉम्बिंग कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद मैं ये वाला इसेंस का आईब्रो मस्कारा यूज़ कर लेती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी आईब्रो फिलअप हो जाती है, थोड़ी सी डार्क हो जाती है तो अच्छी लगती है। और इसके अलावा ये मेरा छोटा सा मिरर है जो मैं इस जार में रखती हूँ, और इसी से ही मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ सिंपल सा, ठीक है। चलें जी, इसके बाद बारी आ जाती है लिप्स की। लिप्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ जी जे डॉट का है, ये बीबी करेक्टर है, 01 इसका नंबर है, और इसका जो शेड है वो बिल्कुल न्यूड है, ठीक है। ये बेसिकली इसमें शिया बटर होता है और वाइटामिन ई। अच्छा जी, इसके अलावा ये बॉडी शॉप की है स्ट्रॉबेरी लिप बाम, ये भी बहुत अच्छी है। मैं सम टाइम ये भी यूज़ करती हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक लिपस्टिक्स टू मच, तो इसलिए मैं ये बस ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। चलें जी, इसके बाद बारी आ जाती है मस्कारे की। तो मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ एसेंस का, ये लैशेस को बहुत वॉल्यूमाइज़ कर देता है और बहुत अच्छा मस्कारा है ये, और मेरा फेवरेट मस्कारा है, ठीक है। मैंने मेबेलिन वगैरह के भी यूज़ किए हुए हैं बट मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगा। और इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ ब्रश, मेरे पास हैं ब्यूटीफाई बाय आमना के बहुत अच्छे ब्रश हैं, मैं जस्ट ब्लश ऑन के लिए यूज़ करती हूँ ये वाला ब्रश, ठीक है। अच्छा जी, ब्लशन मैं यूज़ करती हूँ कलर स्टूडियो का, और अभी काफ़ी यूज़ हो चुका है इसका। इसका जो शेड है वो है 107, और जो इसका नेम है वो है शुगर प्लम, ठीक है। तो वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो आजकल के दिनों में मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। चलिए जी, ब्लशन भी हो गया, और अब इसके बाद बारी आती है लिप पेंसिल। लिप पेंसिल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, अगर कभी कभी लगानी पड़ जाए तो ये रिवाज यूके की है, ठीक है। ये पिंक सा कलर है, और अच्छा इसके बाद बारी आती है काजल की। काजल मेरा जो फेवरेट काजल है वो हाशमी का काजल है, ठीक है। इसके अलावा मैंने मेबेलिन का भी यूज़ किया हुआ है, कलर स्टूडियो का भी यूज़ किया हुआ है, मनीषो की भी काजल पेंसिल्स यूज़ की हुई हैं, लेकिन मुझे दी बेस्ट हाशमी काजल ही है, ठीक है। चले जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है जी आपको पसंद आई होगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर।